हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन है ट्यूसडे और आज डेट है 19 अक्टूबर। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। हम लोग ना बहुत अच्छा मौसम कर रखा है, बहुत गर्मी से निजात मिली है हमें। आज मौसम ठंड होने की वजह से हमारा कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा था। आरवी को भी मन हो रही थी कि वो मोमोज खाए। मैंने इनसे भी पूछा और मेरा भी मन था, बहुत दिन से मोमोज नहीं खाए थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मोमोज कैसे बना रही हूँ घर पे। हाँ, आप कहते हैं अभी हो रहा है, अभी बहुत ठंडा है, अभी हम खाएंगे उसके बाद बादल लेके को मम्मा ना एक खला भी बनाई बाय। तो दोस्तों, मैंने फिलिंग करने के लिए ये सारे मटेरियल ले लिए हैं। मैंने लिए हैं 4 से 5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के गाजर है, 1 मैंने कैप्सिकम लिया है मीडियम साइज का, और मैं ये बंद गोभी जो है ये आधा ही लूंगी, ये आधे से कम लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा है ये, और मैं 1 ओनियन। और फिर मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ कि कैसा है, कितना मटेरियल मैं ले रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने चॉपर में सारा मटेरियल को डाल दिया है, हरी मिर्च अदरक और लहसुन को। अब मैं इसे चॉप करने जा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं ये चॉपर, मुझे ये काफी पसंद आया, बहुत ही ये हैंडी चॉपर है और ये मुझे ना काफी अच्छा लगा। बहुत इजी आपके वर्क है ना, बहुत काफी इजी कर देता है ये चॉपर। मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ, ये ना कुछ ही सेकंड में ना आपके सारे मटेरियल को चॉप कर देगा। और मैं अभी से आप देख रहे हैं कि टमाटर में भी उबाल आ चुका है, उसके छिलके अलग हो चुके हैं, बाकी ये पक चुका है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी अपने गैस को और इसे ठंडा होने दूंगी। उसके बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर आपको दिखाऊंगी कि कैसी तैयार होती है चटनी। अभी मैं गाजर को ना छोटे छोटे पीस में काट ली हूँ और मैं ना अब इसे चॉप करूंगी, इसे बहुत बारीक। देखिए, मैंने सारे सब्जियों को चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक बारीक इसे चॉप कर लिया है। मैंने इसमें लिया है, ये मेरा मिक्स है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, ये मैंने गाजर जो था उसे मैंने चॉप कर लिया है, ये ओनियन ले लिया है, ये कैप्सिकम है, ये कैबेज है, और ये मैंने हरे धनिया को भी चॉप कर लिया है चॉपर में। और इसको मैं पहले अब जाऊंगी कढ़ाई में इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने मंगाया था इनसे, और मैं आपको बता दूं कि मैं एक आप ये भी बना रहे हो तो मैं एक अंदाज से ले लेती हूँ थोड़ा मैदा। बस इतना लूंगी, हो जाएगा हमारा। अब मैं इसमें ना आपके पास अगर रिफाइंड है तो रिफाइंड डाल सकते हो, मेरे पास घी है घर की बनी, तो मैं उसे 1 चम्मच लगभग के घी डाल रही हूँ। ठीक है, नमक डाल देंगे और मैं इसे इसका लोइया तैयार कर लूंगी। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे पानी डालना है और इसका लोइया हम जैसे आटा बनाते हैं ना रोटी के लिए, वैसे ही इसका भी लोइया लगाना है। तो आप इसी तरह से सॉफ्ट, ज्यादा हार्ड नहीं ना ही ज्यादा एकदम सॉफ्ट बनाना है, ये मीडियम टाइप का होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मैदे को तैयार कर लिया है, इसका मैंने अच्छा, ना ही ये ज्यादा हार्ड है और ना ही ये ज्यादा सॉफ्ट है, ये बिल्कुल ही जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना उस टाइप का मैंने इसे कर लिया है। अब मैं इसे थोड़े देर के लिए रेस्ट होने दूंगी, 20 से 25 मिनट तक ये रेस्ट होने के लिए चला जाएगा। अब मैं इसे कपड़े से ढककर रख देती हूँ साइड। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चटनी का जो टमाटर था ना वो ठंडा हो चुका था, तो अब मैंने टमाटर को कट कर लिया है, थोड़ी सी अदरक डाल ली है, वो जो लाल मिर्च थी वो भी मैंने डाल रखा है, और 2 मैंने इस साइज के लहसुन भी डाल लिए हैं। अब मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। देख सकते हैं जैसे हम लोग बाजार में खाते
बनाते हैं ना उस टाइप का कलर इस चटनी का हो चुका है। अब मैं इसमें हल्का सा बस नमक डाल के उसे निकाल लूंगी। और मैं इधर ना मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है और मैं ना अपने सारे जो चॉप के वो वेजिटेबल्स है ना उसे मैं अभी इसमें जा रही हूँ तलने के लिए। मतलब हल्का फ्राई कर देंगे तो इसमें जो पानी निकलेगा ना वो इसमें सोख लेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो आप देख सकते हैं मेरा कढ़ाई अभी गर्म हो रखा है, मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें मेरे पास है घी, क्योंकि मैं ना ज्यादातर घी का इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच के लगभग घी। अब ये गर्म होगा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले सोचे ये जो अदरक मिर्चा लहसुन है उसे मैं डाल दूंगी, ज्यादा तेज आग पे नहीं डालूंगी। फिर मैं उसमें जो सबसे हार्ड मटेरियल जो गाजर है उसे डालूंगी, क्योंकि गाजर वगैरह जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है। इसे मैं ना एक बार हल्का सा मिला दूंगी, कहीं नीचे से वो सट ना जाए। जलना नहीं चाहिए, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसे धीमी आंच पर मुझे पकाने हैं, बस इसका पानी निकालने के लिए, सुखाने के लिए। फिर मैं इसमें ऑनियन भी जो चॉप किया हुआ वो डाल दूंगी, कैप्सिकम, कैबेज, ये रहा मेरा नमक। और हमारी चटनी भी नमक वाली है तो ज्यादा नमक यदि आपको पसंद है तो खा सकते हो, लेकिन हम थोड़ा फीलिंग पे तो कम ही डाल रहे हैं क्योंकि ये पानी भी छोड़ने लगेगा नमक डालने के बाद ऐसे। तो ये रहा लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है काली मिर्च। मुझे काली मिर्च डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मुझे। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारे ये बनाई हुई मोमोज की रेसिपी कैसी लगी, और आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। देखिए मैंने अपनी स्टफिंग को अच्छे से पानी वानी इसका सुखा लिया है और ये स्टफिंग बहुत अच्छे से सूखा हुआ है और ये अब अच्छे से फील होगा। और मैं ना अब छोटी छोटी लुइया बना ली है मैदे की जो आटे लगे हुए थे उसके, और अब मैं इसे बेल रही थी। मैं बेल कर दिखा दी हूँ, आप इसे किसी साइज में भी बना सकते हो, मैं इसे इस साइज का बना रही हूँ, देख रही है। और मैं इसमें ना चमचे से जितना आपको लगे कि इतना उसमें स्टफिंग जाएगा उतना आप इसमें फिल करो।
पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और मैं इस फिलिंग कर रही थी। आप देख सकते हैं मैं फिलिंग को सजा चुकी हूँ एक प्लेट पे। नीचे मैंने उसे ग्रीस कर दिया था घी से या फिर आप ऑयल से कर सकते हो। अब फिर मैं इसे अच्छे से रख दूँगी और बाकी ना इसे अच्छे से बैठा के रख दीजिए और बस आप इसे ढक दीजिए इसी भी ऐसे इस तरीके से और इसे आप छोड़ दीजिए। फिर इसका पक जाएगा तो उसका दिखाइए। मोमोज है, मोमोज मोमोज खा रहे हैं। अभी ये टूटा है। कैसा है खा के बताइए। यम्मी है। मोमोज खाए थे हमको तीखा लगा बहुत। अभी हम इतने लॉलीपॉप खा रहे हैं। बाय।